यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उधर सलूनी के डान गांव में कई महीनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। लोगों को पानी कई किलोमीटर दूर से भरकर लाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस समय दोनों पार्टियों के लोग बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी गांव में आकर नहीं देखता। लोगों का कहना है कि विभाग को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई समस्या नहीं सुनवाई उसकी हुई है। समस्या जो की त्यों बनी हुई है। लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि गाँव में पानी की समस्या को दूर किया जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सलूनी में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। पानी की समस्या के चलते, पानी की किल्लत के चलते ग्रामीण परेशान हैं। कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर ग्रामीणों को लाना पड़ता है और साथ ही विभाग को भी इसकी कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोई समाधान उनकी समस्या का नहीं किया गया है। उधर सलूनी क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंजीर में एनएसएस के बच्चों ने भाग उखाड़ो अभियान चलाया, जिसमें एनएसएस की प्रभारी और एनएसएस के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों का कहना है कि आए दिन हमारे स्कूल में स्वच्छता अभियान, भांग उखाड़ो अभियान चलाया जाता है, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहता है। और कहा कि जो स्कूल से भांग उखाड़ो अभियान चलाया जाता है, वो अभियान चरस के तस्करियों के लिए चलाया जाता है ताकि चरस पीने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।